वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 10 अगस्त 2018 और 10 अगस्त 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके भी मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। और जो भी वीडियो मैंने वहां पर अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के विदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व के विदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 9 अगस्त को, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स ये मनाया गया है 9th ऑफ अगस्त को। अब ये विश्व के विदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसका मतलब क्या होता है? तो मानवाधिकार, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के क्षेत्रों में जो स्वदेशी लोगों द्वारा समस्याओं का सामना किया जा रहा है उनको सॉल्व करने के लिए और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करने के लिए हर साल 9 अगस्त को विश्व के विदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा कि इस बार के विश्व के विदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम क्या है? तो इस बार की थीम आप नोट कर लीजिए, इस बार की थीम है इंडिजिनस पीपल्स माइग्रेशन एंड मूवमेंट। क्या है इस बार की थीम? इंडिजिनस पीपल्स माइग्रेशन एंड मूवमेंट। अब यहाँ पे एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। 9th अगस्त से एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगस्त क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। 9th अगस्त को ही अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और 9 अगस्त को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, और इसीलिए 9 अगस्त को हर साल अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिए। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। कल के वीडियो का हमने टारगेट रखा था 27,000 लाइक का, आपने वो टारगेट पूरा किया और बहुत सही टाइम में पूरा किया। तो आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 28,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक जरूर किया करो, और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, हर दिन अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन हर दिन अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वयं परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो अभी हाल ही में स्वयं परियोजना शुरू की गई है मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, यानी कि MHRD मिनिस्ट्री ने शुरू की है स्वयं परियोजना। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब मैंने इस क्वेश्चन में स्वयं को हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि इसकी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्वयं की फुल फॉर्म होती है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग एंड यंग एस्पायरिंग माइंड्स। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। स्वयं की फुल फॉर्म होती है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। अब ये शुरू क्यों की गई है? तो उच्च शिक्षा के बारे में जो अलग अलग जगह पर आप जानकारी उपलब्ध हैं उनको एक जगह उपलब्ध कराने के लिए स्वयं परियोजना शुरू की है मानव संसाधन मंत्रालय ने। अब मानव संसाधन मंत्रालय ने शुरू की है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम पे हमारे MHRD मिनिस्टर कौन है। तो प्रकाश जावड़ेकर हैं प्रेजेंट टाइम पे हमारे MHRD मिनिस्टर। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है प्रकाश जावड़ेकर, और ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI वित्त वर्ष 2018 के लिए सरकार को कितने करोड़ रुपए लाभांश प्रदान करेगा? तो RBI 2018 वित्त वर्ष के लिए सरकार को 50,000 करोड़ का लाभांश प्रदान करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब शायद आपके माइंड में ये आया होगा कि ये RBI लाभांश गवर्नमेंट को क्यों दे रहा है। तो जितनी भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक हैं उनकी स्थिति अभी प्रेजेंट टाइम पे आप जानते हो खराब है, चाहे कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक हो सबकी स्थिति खराब है। तो उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए RBI 50,000 करोड़ का लाभांश सरकार को प्रदान करेगा। अब यहाँ पे RBI का नाम आ गया और RBI के बारे में आपको बहुत बार बताया है, अगर आपको याद हो गया है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। RBI के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं उर्जित आर पटेल, और उर्जित आर पटेल कौन से नंबर के RBI के गवर्नर हैं? तो 24वें नंबर के RBI के गवर्नर हैं उर्जित आर पटेल। ये जो चीजें आपको याद हो गई हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे से आपको याद हो जाएं,
इनको आपको रिवाइज जरूर करना है। जब तक आपकी लाइफ में स्टूडेंट शब्द लगा है तब तक आपको रिवाइज करने की हैबिट नहीं छोड़नी है। ये हैबिट आप कंटिन्यू रखिए और जिस दिन आपकी जॉब लग जाए उस दिन चाहे तो आप इस हैबिट को छोड़ सकते हो, लेकिन जब तक आपकी लाइफ में स्टूडेंट शब्द लगा है तब तक ये हैबिट नहीं छोड़नी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में TRIAPD ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में TRIAPD ने नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इस क्वेश्चन में ये दोनों ही चीजें आपको अजीब लग रही होंगी, TRIAPD और नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, तो दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। पहले आपको TRIAPD की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो TRIAPD की फुल फॉर्म होती है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो हमारा जनजाति मामलों का मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है। अब इसने ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के साथ, तो आयुष मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये आता है नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड। मैंने एक नाम लिया आयुष, AYUSH, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिंध और एच फॉर होम्योपैथी। तो ये होती है इसकी फुल फॉर्म। आयुष की फुल फॉर्म आप याद रखिए, इसकी फुल फॉर्म कई एग्जाम में पूछी गई है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिंध और एच फॉर होम्योपैथी। तो इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिए। तो TRIAPD ने अभी नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, माइंड में क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए क्यों हैं? तो जो जनजातियां होती हैं आप जानते हैं वो कहाँ रहती हैं? जंगलों में रहती हैं। तो जंगलों में जो औषधि वाले पौधे हैं और जो सुगंध वाले पौधे हैं इनको ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके और इनको ज्यादा उगाया जाए, जिससे जनजातियों का क्या हो, वित्तीय विकास हो, उनकी मतलब जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी हो सके। तो इसलिए ये TRIAPD ने नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ध्यान रखना, जो औषधि वाले पौधे हैं और जो सुगंधित पौधे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा उगाया जाए, जनजातियां उन्हें ज्यादा से ज्यादा उगाएं जिससे कि उनका इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी हो जाए, तो इसलिए ये समझौता हुआ है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व WNBR में शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है खांगचेनजोंगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये खांगचेनजोंगा है कहाँ पे। तो ये सिक्किम में है, सिक्किम का एक बायोस्फीयर रिजर्व है और इसे अभी हाल ही में WNBR में शामिल कर लिया गया है। इंडोनेशिया में एक मीटिंग हो रही थी अभी WNBR की और वहीं पर इसे WNBR में शामिल किया गया है। अच्छा, ये WNBR मैंने तीन बार बोल दिया तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो WNBR की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्या है? ये यूनेस्को के अंतर्गत आता है। यूनेस्को की फुल फॉर्म मैंने आपको कई बार बताई है, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को के अंतर्गत आता है ये WNBR और इसमें अब खांगचेनजोंगा को शामिल कर लिया गया है। और खांगचेनजोंगा के शामिल होते ही इंडिया के 11 बायोस्फीयर रिजर्व इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व बन गए हैं। कितने? 11 इंटरनेशनल हैं इंडिया में और 7 नेशनल हैं। टोटल कितने हो गए? 11 + 7 तो 18 इंडिया में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो अगर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं तो आप 18 बताएंगे, और अगर आपसे पूछा जाए कितने इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व हैं तो आप 11 बताएंगे, और कितने नेशनल हैं तो आप 7 बताएंगे। तो तीन क्वेश्चन हैं और इनको बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति कौन चुने गए हैं? तो अभी हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं हरिवंश नारायण सिंह, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये NDA के उम्मीदवार थे और इन्होंने BK हरिप्रसाद को हराया है। इनको कितने वोट मिले? इनको 125 वोट मिले और BK हरिप्रसाद को 105 वोट मिले। तो अब हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति बन गए हैं राज्यसभा के। अब बात आई है राज्यसभा की, तो राज्यसभा के बारे में आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। राज्यसभा होता है उच्च सदन, यानी कि अपर हाउस होता है राज्यसभा, और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, यानी कि प्रेजेंट टाइम पे M. वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति हैं और उपसभापति ये बन गए हैं हरिवंश नारायण सिंह। अच्छा, राज्यसभा के कार्यकाल से भी क्वेश्चन बनता है। तो राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का और हर 2 साल बाद मेंबर रिटायर होते रहते हैं। इस तरह से राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, लेकिन कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा के सदस्य का? 6 वर्ष होता है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल ऐप निर्यात मित्रा किसने लॉन्च की है?
तो अभी हाल ही में ये मोबाइल ऐप निर्यात मित्रा लॉन्च की है सुरेश प्रभु ने। हमारे प्रेजेंट टाइम के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं सुरेश प्रभु, इन्होंने निर्यात मित्रा ऐप लॉन्च की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये ऐप डेवलप की है एफ आई ई ओ ने, किसने? एफ आई ई ओ ने, एफ आई ई ओ ने ये ऐप डेवलप की है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, एफ आई ई ओ की। तो एफ आई ई ओ की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसने ये ऐप डेवलप की है और ये एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए ऐप है। अब इस ऐप से होगा क्या? तो इस ऐप से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जीएसटी ये सभी जानकारी इस ऐप से मिल जाएंगी। तो ये है निर्यात मित्रा ऐप और इसे लॉन्च किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने। अब इसको एफआईईओ ने बनाया, तो एफआईईओ की फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दी, इसके अलावा भी एफआईईओ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं गणेश कुमार गुप्ता। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इवान डुक्यू ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इवान डुक्यू अभी हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति बन गए हैं, यानी कि इन्होंने कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये कोलंबिया के राष्ट्रपति बने हैं, तो पहले आप मैप में देखिए, ये है कोलंबिया। कोलंबिया साउथ अमेरिकन कंट्री है, कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा, कोलंबिया की करेंसी है कोलंबियन पीसो और कोलंबिया के राष्ट्रपति तो यही बने हैं इवान डुक्यू। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल ज्योग्राफी बी विश्व चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती अभी गोयल ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी गोयल 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और मात्र 14 साल के हैं और इन्होंने इंटरनेशनल ज्योग्राफी बी विश्व चैंपियनशिप जीत ली है। अब माइंड में क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये इंटरनेशनल ज्योग्राफी बी विश्व चैंपियनशिप होती क्या है? तो इसमें क्या होता है, ज्योग्राफी के टॉप 100 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं और फिर उन्हें मेडल दिए जाते हैं। तो गोल्ड मेडल की जो सीरीज थी उसमें से 10 में से 7 गोल्ड मेडल जीते अभी गोयल ने और 2 सिल्वर मेडल जीते। इस तरह से इन्होंने इंटरनेशनल ज्योग्राफी बी विश्व चैंपियनशिप जीत ली है। अब यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये इंटरनेशनल ज्योग्राफी बी विश्व चैंपियनशिप हुई कहां पे है? तो ये जर्मनी में हुई है। कहां पे हुई है? जर्मनी में हुई है। और जर्मनी का जब भी नाम आता है, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, जर्मनी की चांसलर का नाम आप याद रखिए। जर्मनी की चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल ट्रांजेक्शन सेवा MOPAD किस बैंक ने शुरू की है? तो ये शुरू की है SBI ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मैंने इस क्वेश्चन में मोपैड को हाईलाइट किया हुआ है, यानी कि MOPAD को हाईलाइट किया हुआ है। तो पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो MOPAD की फुल फॉर्म है मल्टी ऑप्शन पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस। क्या है इसकी फुल फॉर्म? मल्टी ऑप्शन पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस। फुल फॉर्म से ही आपको समझ में आ गया होगा, इसमें अलग अलग तरह से पेमेंट हो सकता है। जैसे आप UPI से पेमेंट करते हो, जो SBI की ऐप है SBI बडी उससे पेमेंट करते हो, POS से पेमेंट करते हो। POS क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। जो आप शॉपिंग करते हो जिसमें आप कार्ड स्वैप करते हो, वही मशीन होती है POS। तो अलग अलग तरह से जो पेमेंट करते हो वो सारा पेमेंट इस एक डिवाइस से हो सकता है और इसका नाम क्या है? MOPAD। और इसको किसने शुरू किया है? SBI बैंक ने शुरू किया है। अब SBI बैंक ने शुरू किया है तो SBI के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और SBI के प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन है रजनीश कुमार। तो इतना आपको SBI के बारे में भी पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में प्रसिद्ध फर्नीचर मेगा स्टोर IKEA ने अपना शोरूम खोला है? तो IKEA ने इंडिया में अपना पहला शोरूम हैदराबाद में खोल दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब शायद आपके माइंड में आ रहा होगा कि IKEA है क्या, ये क्या है? एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है और ये वर्ल्ड की लगभग सबसे बड़ी कंपनी है। अब ये कैसा फर्नीचर बनाती है? जैसे आप अपने घर में बेड खरीद के लाते हो, टेबल खरीद के लाते हो, चेयर खरीद के लाते हो, या अपने घर में फर्नीचर की चेयर बनवाते हो, फर्नीचर ये सारी चीजें बनवाते हो, लेकिन ये ऐसा फर्नीचर बनाती है कि आप वहां से टेबल खरीद के लाइए और उसमें क्या होगा, पेच होंगे और आप उसे घर पे ही असेंबल कर सकते हो, खुद असेंबल कर सकते हो, आपको कारपेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना इजी टू असेंबल ये फर्नीचर बनाती है IKEA, इसीलिए ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसने इंडिया में अपना पहला मेगा शोरूम खोला है हैदराबाद में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन और ये अब दिल्ली हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं।
अब बात है दिल्ली की, तो दिल्ली के बारे में मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। दिल्ली इंडिया की राजधानी कब बनी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो 1911 में इसकी घोषणा हुई थी और 1912 में दिल्ली इंडिया की राजधानी बन गई। और इससे पहले इंडिया की राजधानी क्या थी, कोलकाता। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पे नई दिल्ली इंडिया की राजधानी है। तो ये नई दिल्ली कब बनी, तो इसका नाम नई दिल्ली रखा गया 1927 में, और नई दिल्ली इंडिया की राजधानी बनी 13 फरवरी 1931 को। तो ये राजधानी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूरा डिटेल में आप याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया 7 अगस्त को, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उतना आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज आप लिख देते हो उसे आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, है हाल ही में पहली ऐप आधारित टैक्सी सेवा कहां शुरू हुई है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, तब आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हो। आज के वीडियो का टारगेट आप याद रखना, आज के वीडियो का टारगेट है 28,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।